हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ करेला फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। ये तुरंत से बनकर रेडी हो जाती है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। करेला फ्राई को बनाने के लिए हमें लेने होंगे 250 ग्राम करेले इस तरह से कटे हुए, दो मीडियम साइज़ प्याज इन टुकड़ों में कटे हुए, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें सारे कटे हुए करेले को डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा और फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐसा करने से क्या होगा कि जो करेले की कड़वापन है वो चली जाएगी। तो अब इसे कवर करके रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। तो अब 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि कड़वापन और अच्छे से चला जाए। तो अब ये करेले को हम इस तरह से पानी से निकाल लेंगे हल्का सा निचोड़ कर। सारे करेले को हम इसी तरह से पानी से अलग कर लेंगे। तो अब गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेंगे और गरम होते ही हम इसमें 3 टेबल स्पून लगभग मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसे गर्म होने देंगे। तो अब ये ऑयल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ये करेले को डाल देंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे एकदम हाई फ्लेम पे ताकि करेले जल्दी से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरह से हम 4-5 मिनट तक इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इसे फिर से चला लेते हैं और आप देख सकते हैं ये करेले आधी फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी हो गई है थोड़ी। तो थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें हल्दी ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब ये करेले थोड़े क्रिस्पी दिखने लगे हैं। अब हम इसमें ये कटे हुए प्याज डाल देंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें प्याज बहुत ही अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा प्याज रहता है उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। तो इसे हम करेले के साथ और 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और इसे मिक्स करते टाइम हमें ध्यान देना है कि करेले टूटे नहीं, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं कुछ मिनट के लिए। अब हम गैस की फ्लेम एकदम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 1-2 मिनट तक और फ्राई करेंगे ताकि करेले और प्याज और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे।
तो अब आप देख सकते हैं ये करेले अच्छे से पक गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। तो ये हमारा करेला फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।